तो आया रे तेनू ले के मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, तेनू ले के मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। एक्सप्रेशन अलग ही था लेकिन ये जितना खुश हो रही थी, आई थिंक सीज़न ऑन सेवेंथ हेवन, कैसा लग रहा था आपको? बहुत ज्यादा माहौल वाला। और सर जब आप डांस कर रहे थे तब आप सच बताइए आप किसे दिख रहे थे? ये चलता तो है यूं ही लगा दिया है बाकी जो यह सही है जनता ऑर्गेनाइज इनका वजह से हुआ है। तो सर एकदम वेलकम करता है आपका, लेकिन ऐसे जल्दी आपको जल्दी तो नहीं है ना जाने का सर? ज्यादा नहीं तो, लेकिन जब जाएंगे उससे पहले हम एक छोटा सा टास्क, चलिए अभी शुरू कर देते हैं सर। ठीक है सर, कैसा है आप हमें एक बात बताइए सर, आपको और इनको ऐसे जब रिलेशनशिप का स्टार्ट हुआ था कितना टाइम हो गया है? ऐसा लड़कियों को ज्यादा याद रहता है कि इतना जुलाई इतना अगस्त जी ऑफिशियली और अनऑफिशियली तो सर जो है इन ऑफिशियली, चलिए हम ऑफिशियली की बात करते हैं, तो ऑफिशियली में जो एक छोटा सा डिवाइस होता है जो आपके पास भी है आपका पास भी है और उसमें एक ऐप इंस्टॉल होता है जिसमें हम पूछते हैं ना मेले बाबू ने थाना खाया नहीं खाया नहीं, अरे व्हाट्सएप यार उसको बोलते हैं। तो अब क्योंकि है आज आप दोनों ऑफिशियली ब्लू टिक हो रहे हैं ऐसा दोनों परिवारों की तरफ, और जो है आज सर जो है अब व्हाट्सएप पे तो आपने काफी से रूठना मनाना प्रपोज करना, लेकिन आज जैसे आप दोनों एग्री है तो एक बार दूल्हे राजा से कहे दुल्हन को प्रपोज करने के लिए क्या बोलती है यार पब्लिक क्या? ठीक है सर, लेकिन कुछ अलग तरीके से सर, मतलब डांस आप बहुत अच्छा किए इस टाइम पे सर। अरे रेडी? या एक शायरी बोलना चाहूंगा, बट ऑब्वियस आप लोगों ने सुनी होगी, सुनी होगी। फूल हूँ गुलाब का, चमेली का मत समझना, आशिक हूँ आपका, आपकी सही जगह मत समझना। ये जो है जो इन्होंने एकदम शायरी बोला ना यार, ये था स्प्राइट शायरी, सीधी बात तो बकवास। और जो आपने ऐसा सच बात है फूल आपने उन्हें दे दिया, और आपकी कोई सहेली जिन्हें ये जानते हैं सबको जानते होंगे ये बात, वो सब यार ये बात हमें काफी पसंद आया सर। यू रॉक यार, एक बार दुल्हन दुल्हन के लिए जोरदार वाला तालियां। गॉड ब्लेस यू, विशिंग यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज आप अपना सिंहासन पर बैठिए क्योंकि आपका परफॉर्मेंस के लिए बहुत जल्दी